दोस्तों सबसे पहले क्या हुआ कि इसके अंदर यहाँ से पानी चला गया था मोटर के अंदर, ठीक है। और उसके बाद ये दोस्तों इसका जो पीछे वाला बैरिंग था वो है ख़राब हो गया था दोस्तों, ठीक है। जिसकी वजह से दोस्तों ये टच करने लग गई अंदर का जो रोटर है, और उसके बाद ये मोटर जो है बिल्कुल ख़राब हो गई, ठीक है। और इसके अंदर आवाज़ें आने लग गई अजीब अजीब तरीके की, उसके बाद से ये ख़राब हो गई। और मैंने सोचा कि ये मोटर ऐसे ही आवाज़ कर रही होगी, तो मैं इसे चलाता रहा कंटिन्यूसली, ठीक है दोस्तों। फिर एक दिन क्या हुआ कि ये जो मोटर है वो एकदम से क्या है, बैटरी ज़्यादा पीने लग गई, ठीक है। मतलब कि जहाँ पर ये मतलब कि जैसे कि एक बार फुल चार्ज में 40 किलोमीटर चलती है, उस टाइम पे चली मेरी 20 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। तो 20 किलोमीटर चलने के बाद ये जो उसके बाद बंद हो गई गाड़ी हमारी, ठीक है। उसके बाद हमें धक्का मारना पड़ा, इसमें ये हो गया था। और मोटर बहुत ज़्यादा हीट हो रही थी स्टार्टिंग, जब ये टच हो रहा था इसके अंदर ऑटोमेटिकली टेम्परेचर जो था इसका बढ़ रहा था बहुत ज़्यादा। मुझे मैंने सेंसर लगाया हुआ था यहाँ पर टेम्परेचर सेंसर, जिससे